युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, इस चुनावी मंत्र के साथ मिशन 2022 के लिए बीजेपी का पश्चिम यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाट राजा महेंद्र की धरती अलीगढ़ पहुंचे। पीएम के पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ खड़े होकर उनका स्वागत करती नजर आई। माता की ४०० एकड़ में बनने जा रही महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के मॉडल को देखने के बाद पीएम ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मोदी 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 मोदी। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकार से योगी सरकार की तुलना करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वातंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। यूपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की बड़ी भूमिका रही है। माना जा रहा है पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे के जरिए पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश की गई है। भले ही देश में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानने वाले कम हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनकी विरासत को लेकर काफी चर्चा होती है। माना जा रहा है बीजेपी ने जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर जाटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अपने पश्चिमी यूपी के दौरे में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके अलावा अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। इसके जरिए उन्होंने उद्योग जगत को बढ़ावा मिलने और रोजगार के मौके बढ़ने का भरोसा जताया। भाई और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। पीएम मोदी के एक ही दिन में 3 नए कार्यक्रमों के शिलान्यास पर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई। चुनाव से पहले बीजेपी के इस कार्यक्रम के आयोजन पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा और यूपी सरकार को बुलडोजर सरकार बता दिया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन सभी सियासी दलों ने अभी से मोर्चेबंदी तेज कर दी है, जिसमें सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है।